हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए, यहां पर पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये बीएससी सेकंड ईयर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से। बेटा, 1 तारीख से हमने एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स चलाने के लिए कहा था, जो नहीं चल पा पाए। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने बहुत छुट्टी ली है। मुझे पता है आप लोग नाराज होंगे, कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि हमने इस चैनल से जुड़ के गलती की। विद्यार्थीगण, ऐसा नहीं है। आपके पेपर से पहले हम अनसोल्ड सारी चीज़ें करा देंगे। जल्दी ही 1 हफ्ते के 1.5 हफ्ते के अंदर हम क्वांटम मैकेनिक्स भी स्टार्ट कर देंगे। दोनों क्लास आपकी होंगी, आप घबराइए नहीं। एक हम रिकॉर्डेड डालेंगे और एक को लाइव लिया करेंगे जैसे, और बहुत ही शॉर्ट पोर्शन में, तो आपको देखने में भी मजा आए। सर, शॉर्ट में कैसे लोगे अभी बताएंगे आपको। जैसे हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे मैक्सवेल की इक्वेशन। हमने आपसे बताया था मैक्सवेल ने कितनी इक्वेशन दी थी, 4। और बच्चा हाँ, देखिए इंस्टाग्राम पर हमसे सडनली सारे मैसेज डिलीट ऑल हो चुके हैं, बाय चांस बाय मिस्टेक, क्योंकि हम खुद उंगली करने बैठ गए थे और हमें टेक्निकल इतनी समझ है नहीं। अगर कोई भी विद्यार्थी जिसने मैसेज किया था उसका रिप्लाई नहीं मिला है, हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमें दोबारा मैसेज कर सकते हैं फिजिक्स गुरु इंडिया पर इंस्टाग्राम पर, तो अब आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक, अब आप कर सकते हैं मैसेज। देखिए, हमने लास्ट क्लास में मैक्सवेल की कितनी इक्वेशन का प्रूफ कर चुके थे हम, 1st और 2nd 2 इक्वेशन का प्रूफ कर चुके थे। मैंने कहा था ये 2 इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन बहुत लेंथी है, काफ़ी लेंथी है, तो क्या इसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। इसे भी हम अच्छे से करेंगे, हर एक हम ढंग से करेंगे। पहले हम कौन सी इक्वेशन करते हैं, हम करते हैं मैक्सवेल की 3rd इक्वेशन, ये वाली मैक्सवेल्स 3rd इक्वेशन करें। मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल की हम कौन सी इक्वेशन करेंगे बच्चा, 3rd इक्वेशन करेंगे। ठीक, चलिए ये हम मैक्सवेल की 3rd इक्वेशन करते हैं। मैक्सवेल की 3rd इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, यहां लिख देता हूं ताकि आपको क्या रहे, पता रहे हम किस रास्ते पर चलना है। कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस के डेल बी। हालांकि इसे कर्ली बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा था मैं डेल बोलूंगा, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं डेल बोलने में कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि जिनसे मैं पढ़ता था इन पास्ट में, तो वे इसे क्या बोलते थे, इसे डेल बोलते थे। तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब मत हो ना, सर गलत बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। देखो, अब मैं आपसे एक बेसिक सी चर्चा करूं। सर, आप चर्चा तो करते रहते हो, कुछ काम की चीज बताओ। अरे, आपने वो नहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फैराडेज लो, याद आया कि व्हेन एवर ए फ्लक्स लिंक्ड विद ए कोयल चेंजेस देन देयर डेवलप आ ईएमएफ एंड दिस ईएमएफ इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बाउंसर। अब जब भी किसी से बंद परिपथ से संबंधित फ्लक्स चेंज होता है, तो वहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और ये विद्युत वाहक बल बेटा क्या होता है, आपके फ्लक्स परिवर्तन की निगेटिव दर के बराबर होता है। देखो, फ्रॉम फैराडेज लॉ वी नो दैट, फैराडे के लॉ से हम जानते हैं। क्या जानते हो बच्चा? नहीं पता सर, पर लिखना पड़ता है EMF इज इक्वल टू माइनस के d∅ by dt। पता है, आया कुछ याद? सर ये E क्या है? अरे E हमने बताया था, ये होता है EMF, अरे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ये कौन सा बल है? अरे विद्युत को, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए प्रेरित करता है। चलो 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 चलो, मैया जी के द्वारे चलिए है। और ये बेटा ये किसके बराबर होता है? वी। सर वी वेलोसिटी, ना मुन्ना ना वोल्टेज, या मैं आपसे सिंपल भाषा में कहूं पोटेंशियल के बराबर होता है। तो हमने बस इसे नाम स्मॉल ही दे दिया। यूनिट इसकी भी वोल्ट है और इसकी भी वोल्ट है, दोनों चीज एक ही है। लेकिन फैराडे ने इसे क्या बोला था बेटा? फैराडे ने इसे स्मॉल ई बनाया था, तो हमने भी इसे क्या बना लिया मेरे चांद, स्मॉल ई बना लिया। कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज को लेकर। ये क्या होगी? हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 1। या अभी मत मारो, हियर आपको पता है फाई इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? फाई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुज वैल्यू इज गिवन बाय,
हुज वैल्यू इज गिवन बाई, हुज वैल्यू इज गिवन बाई, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है ट्यू बी डॉट डी एल, ये नहीं होती ए, पता अबे फ्लक्स कितना होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। अरे सर एरिया होता है यहाँ एल क्यों लिख दिया, मुन्ना राजा गलती होगी, लो ऐसे लिख दिया, क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू, अबे आपने फ्लक्स फलानी फाइव बराबर ई डी ए कोस थीटा, तो यही तो है ई डॉट डी ए, मैंने यहाँ पे एस मान लिया सरफेस एरिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ए मानना है आप ए मान सकते हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पैंदा। अब देखो इसलिए आपका E कितना हो गया, E क्या है, E आपका है ई एम एफ, E कितना हो गया माइनस के d बाई डी टी बी डॉट डी एस, ये आपका क्या हो गया इंटीग्रल का निशान भी तो आएगा, ये आपका E हो गया। इक्वेशन नंबर वन, द रिलेशन दिख रहा है, द रिलेशन किस किस के बीच, बिटवीन EMF small e and electric field, capital E is given by, यानी के small e के बीच EMF के और electric field के बीच क्या relation होता है, कोई बच्चा बताएगा, वीडियो पॉज करो, कैसे बताऊंगा, वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होता है इन दोनों के बीच रिलेशन। देखो बेटा इस रिकॉर्डेड क्लास का एक तो फायदा है, कमेंट बॉक्स में जो आप फालतू की जय भारत जय हिंद करते हो, मतलब और बहुत चीजें हैं उससे आप छुटकारा मिल जाता है, क्लास की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लेकिन हम एक क्लास रिकॉर्डेड लिया करेंगे एक लाइव, क्योंकि कोर्स को हमें क्या रेलवे ट्रैक पर दौड़ाना है, पूरी स्पीड से हमें कोर्स को कंप्लीट कराना है। और ये यार यहाँ पे व्हाइट स्पॉट आ रहा है, किसका है, मोबाइल का ही रिफ्लेक्शन है, इसका भी कुछ ना कुछ इलाज ढूंढेंगे। पहले यहाँ पे आओ, द रिलेशन बिटवीन ई एम एफ एंड ई कितना होता है बेटा, E इक्वल्स टू E डॉट DL, इतना होता है सर, ये कहां से आवतानी, ये कहां से आवितानी बुड़बक, सर ये तो हमने पढ़ा नहीं। अबे V कितना सुना है आपने, पोटेंशियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, हां सुना है। अबे E कितना सुना है, ये सुना होगा नलायको Q अपॉन R, E कितना सुना है, सुना है नहीं सुना, क्यों अपॉन आर स्क्वायर, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये, इससे ये, इससे ये, तो वी अपॉन ई इक्वस टू क्या बचा, ये एक आर बचा, ये कहाँ पहुंच गया ऊपर, तो यहाँ से वी इक्वस टू कितना आ गया, ई आर ना आ गया, अबे आर क्या थी, डिस्टेंस ही तो थी, मैंने यहाँ पे एल मान ली, तो वी इक्वस टू ई एल आ गया, सर ये तो वी आया, अबे मैंने क्या बताया था, वी आपका ई ही होता है, फेराडे ने ई मानना था तो हम ई ही मान लेंगे, अगर हम लेंथ छोटी सी लेंगे तो मुझे इंटीग्रल लेना पड़ेगा, तो मैंने ये लाइन ही तो लिखी है, मैंने कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस थोड़ी लगा दिया, ई इक्वस टू ई डॉट डी एल, यही तो लिखा है मैंने, अब समझ में आ गया, यहां मुझे इतने डेप्थ में उतरना नहीं था, लेकिन आपके लिए मैं उतर चुका हूं, तो इसलिए इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज, फर्स्ट इक्वेशन ई की जगह ये वैल्यू चिपका दी हमने, कितना हो गया ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी बाई डी टी माइनस के कितना इंटीग्रल बी डॉट डी एस, ठीक। अब आप क्या करोगे, इस लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलोगे, ऑन कन्वर्टिंग लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल, अरे लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में आपको बदलना आता है या नहीं आता, बहुत अच्छे से आता होगा, हमने बताया था क्या, अगर आपको ए डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल दे दिया है सरफेस में बदलना है तो आप क्या लेते थे, कर्ल ही तो लेते थे, बदल गया लो सरफेस में, बदल गया। अब यहां देखो, यहां लाइन है, मुझे सरफेस में बदलना है, तो आपका E डॉट डी एल क्या बन जाएगा, E कर्ल E डॉट
डीएस लो बदल गया, बस कर्ल ले लेते हैं। जब भी लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलते हैं तो उसका कर्ल सी यू आर एल कर्ल ले लेते हैं। कर्ल क्या है भाई, डेल की क्रॉस प्रोडक्ट है कर्ल। तो मैंने क्या लिया, कर्ल ई डॉट डी एस इक्वस टू माइनस के डेल वाई डेल टी बी डॉट डी एस। क्लास बहुत जल्दी खत्म होगी ये वाली, क्योंकि हम इसे चुटकी बजा के जादू का इस्तेमाल करेंगे। अब जब एडिटिंग आती है एडिटिंग का यूज करेंगे। ठीक, अब यहां देखो क्या देखो क्या देखो, अब मैंने दोनों तरफ का वो ले लूं क्या इंटीग्रल, तो ds ds इंटीजर का पार्ट इंटीजर सेम है दोनों तरफ। इधर क्या बचा, कर्ल e बचा, इधर क्या बचा माइनस के डेल बाई डेल टी ds ds इंटीग्रल इंटीग्रल खत्म। क्या बचा, ये हमें यही तो पढ़नी थी, यही तो थी दिस इज, यही तो पढ़नी थी, ये हमने प्रूफ कर ली। दिस इज मैक्सवेल्स फोर्थ थर्ड इक्वेशन, दिस इज मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। लो जी थर्ड इक्वेशन भी हमने प्रूफ कर ली। अब हम थोड़ा सा जादू का इस्तेमाल करेंगे। आप फटाफट इसका क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, आप मेरे से पीछे देख सकते हो, ये बड़ी लंबी लेंथी चीज लिखी हुई है। ये क्या है, आप देख सकते हो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। मैंने कहा था इसे थोड़ा जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि हमें कोर्स को चौथे गियर में भगाना है, क्योंकि मेरी आपकी वजह से नहीं बेटा, इस बार मेरी मिस्टेक है, मैंने बहुत छुट्टियां की हैं। ठीक, छुट्टियां करने का रीज़न है यार जॉब लगना, गवर्नमेंट जॉब लगना, और ट्रेन में इधर से उधर मेरी आवाज़ सुन सकते हो, थोड़ा बीमार भी हुआ हूँ, क्योंकि कभी मैंने इतनी लाइफ में ट्रैवलिंग नहीं की। मैं था अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला। देखो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन बुक में इतने वाइडली नहीं लिखी हुई, कोई सी भी बुक ले लेना, इतनी वाइड में नहीं लिखी। उन्होंने सीधा स्टेटमेंट लिखकर शॉर्टकट में पेल दिया है। मैंने इसे आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पहले यहाँ देखो, आपको याद हो एम्पियर्स का लॉ क्या था, एम्पियर्स का लॉ क्या था, बी डॉट डी एल इक्वस टू म्यू नोट आई, याद था। लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इक्वस टू म्यू नोट टाइम द करंट थ्रू इट, पढ़ाया हुआ है मैंने बकायदा अच्छे ढंग से। अब यहाँ देखिए, अबे ये कहाँ से आ गया सर, ये आपने कहाँ से पेल दिया। अब आप एक छोटी सी बात सुनिए, एक देखो आपने क्या पढ़ा, सर हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है सरफेस चार डेंसिटी। जिस बच्चे ने पढ़ी हुई है बेटा वीडियो पॉज करो और कमेंट में फटाफट लिखो सरफेस चार डेंसिटी क्या होती थी, जे तो होती थी नलाइको, और किसके बराबर होती थी, डी आई बाई डी एस। अब करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया, तो डी आई की वैल्यू कितनी आ गई, डी आई की वैल्यू आ गई जे डॉट डी एस, और दोनों तरफ का इंटीग्रल कर दोगे तो आई इक्वस टू जे डॉट डी एस का इंटीग्रल। तो म्यू नोट ऐसा ही आई की जगह ये वैल्यू चिपका दी मैंने। ठीक, अब इधर देखो, इधर क्या है लेंथ, इधर है एरिया, तो इस लेंथ को एरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, ऑन कन्वर्टिंग लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल, पता है कब, अबे अभी थर्ड में तो पढ़ा था, क्या करते थे लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलने के लिए, कर्ल ले लेते बी ऐसा ही, इसका कर्ल ले लो, लाइन किस में कन्वर्ट हो गया सरफेस में, म्यू नोट जे जे डॉट डी एस ऐसा ही। तो बेटा हमारा, अब मैं दोनों तरफ की जब कंपेयर करता हूं तो इंटीग्रल इधर भी है, सरफेस एरिया इधर भी है, तो इधर क्या बचा, कर्ल बी एक्स्ट्रा है और इधर म्यू नोट जे एक्स्ट्रा है। तो बेटा कर्ल बी इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू नोट जे। लेकिन बेटा हमारी फोर्थ इक्वेशन ये थी, तो सर आपने तो इतना हिस्सा लिया है, ये हिस्सा क्यों, मतलब इतना हिस्सा लाए ये हिस्सा कहां गया। अभी सुनो सारी बात, मैंने बताया बुक में इतने डेप्थ में नहीं है, मैं आपके लिए पूरी डेप्थ में बाल की खाल निकालने वाली चीज आपके लिए लेके आया हूं। अगर मैं इसे लिखता, यहां तक भी लिखता, तो वीडियो 30-40-45 मिनट की खामोखा खिंच जाती, तो मैंने ऐसा प्रेफर किया बेटा। अब आपको पता है कर्ल का मतलब क्या होता है, डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, कर्ल का मतलब क्या है, डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, इसकी डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिख दी। क्यों लिख दी, बार बार कर्ल लिखने से अच्छा मैं ऐसा लिखूंगा। मैंने क्या किया, इफ वी टेक द डाइवर्जेंट ऑफ इट। सर अब डाइवर्जेंट लेने की बीमारी क्यों आ गई, अभी सुनना, डाइवर्जेंट जानते हो डेल की डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने डेल की डॉट, बेटा आप चाहो तो सबके ऊपर वेक्टर लगा लेना, मैंने जल्दी
जल्दी मैं लगाना भूल गया। ठीक, तो डेल डॉट डेल क्रॉस भी, म्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट है, भार तो जे के साथ क्या हो गया, डेल की डॉट प्रोडक्ट होगी, मैंने डाइवर्जेंट लिया है ना, तो डाइवर्जेंट दोनों तरफ इससे प्रोडक्ट होगी। अब ये जीरो क्यों हो गया, अब नलाई को इसे तो रफ कर दू, कर्ल बी क्वेश्चन म्यू नोट जे प्लस एप्सिलॉन नोट डेली ओवर डेल्टी, अबे नू जीरो होगी जब भी कोई क्वांटिटी का आपने कर्ल ले रखा है ना और उसका डाइवर्जेंट ले लेते हो तो वो जीरो हो जाता है। मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है कि कर्ल का डाइवर्जेंट हमेशा जीरो होता है, क्योंकि कर्ल होता है क्रॉस जो कि एक वेक्टर है और डाइवर्जेंट होता है डॉट जो कि एक स्केलर है। तो बेटा यो वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, जीरो, ये ऐसी बचा। तो यहाँ पर म्यू नोट की वैल्यू तो फिक्स है तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो क्या हो गया, डेल डॉट जे कितना हो गया, जीरो, वेक्टर लगा लेना। लेकिन एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, अभी आपको इसके याद रखने की ज्यादा डेप्थ में तो जरूरत नहीं, बस आप बेसिक सी याद रखो, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, उसके अकॉर्डिंग डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस के डेल रो अपॉन डेल टी। रो क्या है, अब वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ा तो था, जो इक्वेशन फर्स्ट में पढ़ा था डाइवर्जेंट ऑफ ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कौन सी इक्वेशन फर्स्ट में, मैक्सवेल की, वही वाला रो है ये। लेकिन भैया हमारा है जीरो आ रहा है, यानी कि ये जो बात हमने निकाल ली थी इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है गई, है गई, मैं यहाँ की भाषा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे उधर तो हो गई बोलते हैं, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। सो मैक्सवेल मॉडिफाइड, क्यों, अबे इसकी वैल्यू तो फिक्स है लेकिन हमारी कितनी आ रही थी, जीरो, इसका मतलब ये जो हमने निकाला इसमें कुछ मिस्टेक थी, उस मिस्टेक को सोल्व करके मैक्सवेल ने फोर्थ इक्वेशन दी थी। सो मैक्सवेल मॉडिफाइड इट, जो एम्पियर्स का लो था मैक्सवेल ने उसे मॉडिफाई किया। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल देयर आल्सो प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी के यो इस समय रफ कर रहा हूँ, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अरे कपड़ा कांगा है ये इस समय रफ कर रहा हूँ, खिचड़ी पक गई पूरी, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है बेटा। देखो B dot dl equals to mu not i, उसने कहा कि जब किसने मैक्सवेल ने कि जब चार्ज पार्टिकल अपनी जगह से हटेगा तो दूसरे पार्टिकल आएंगे, तो वहां पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगी, तो एम्पियर्स लॉ ये होना चाहिए i प्लस आई डी। आई तो क्या है, नॉर्मल करंट, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो आई की जगह तो जे आ जाता है और इसकी जगह क्या आ जाएगा, जे डी। अब ये क्या है, नॉर्मल डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट चार्ज डेंसिटी। तो मैंने दोबारा से सारी गाथा लिखने की बताई, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नोट जे आया था ना यहाँ पे, यही तो आया था यहाँ पे, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नोट जे, तो जे की जगह क्या आ जाएगा, जे प्लस जे डी। ये किसने मॉडिफाई किया था, मैक्सवेल ने, तो मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करके जो इक्वेशन दी वही इक्वेशन मैक्सवेल सॉरी वही इक्वेशन मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन कहलाती है, इसमें चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। चलो अब हम आगे चलते हैं, मैंने ये रफ कर दी, अब देखें ये तो होगी। अब देखो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन क्या थी, यही तो थी, कर्ल बी इज इक्वल टू म्यू नोट जे प्लस एप्सिलॉन नोट डेल ई ओवर डेल टी, यही तो थी। तो इतना हिस्सा तो मेरा आ गया, अब मुझे जेडी की वैल्यू निकाल के लानी, जेडी मतलब जैदत शर्मा है बेटा, जेडी की वैल्यू ये निकाल के लेके आनी है मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग डाइवर्जेंट ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों साइड का डाइवर्जेंट लिया, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इधर का भी डाइवर्जेंट, अब म्यू नोट तो कॉन्स्टेंट, डाइवर्जेंट होगा वैक्टर के साथ प्रोडक्ट, अब डॉट प्रोडक्ट होती तो वैक्टर्स की है पता है, तो जे के साथ हो गया, जेडी के साथ हो गया, नहीं समझे, अबे इधर मैं क्या लूंगा, म्यू नोट डाइवर्जेंट किसका, जे प्लस जे डी का, तो अभी वो अंदर इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी चला गया। अभी हमने पढ़ा था क्या कि कर्ल का डाइवर्जेंट हमेशा शून्य होता है, तो ये तो शून्य हो गया, तो इधर क्या बचा, म्यू नोट डेल डॉट जे, म्यू नोट की वैल्यू तो पता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई की 10 टू पावर माइनस 7 नहीं होती, तो ये तो जीरो होने से रहा,
तो ये दोनों वैल्यू किसके बराबर, जीरो के। अबे देखो ये ना हो गया डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डी कितना हो गया जीरो, ये प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया माइनस। अब आपको इसकी वैल्यू पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, कितनी माइनस डेल रो बाय डेल टी, माइनस डेल रो बाय डेल टी इसकी वैल्यू, ये एज इट इज ये रहा। अब मैंने माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मैंने ये इधर रख दिया ये इधर, इससे तो कोई फर्क नहीं पैंदा। अब यहां पे देखो बेटा डेल डॉट जे डी ऐसे ही, अब यहां देखो क्या देखा है सर, दिख रहा उधर दिख रहा है डेल डॉट जे डी इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी। अबे आपने जो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन ये लिखी हुई है री, ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन थी, यहां से रो की वैल्यू क्या आ गई, अबे डाइवर्जेंट ये री, मैक्सवेल की क्या इक्वेशन थी, फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, क्या थी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, यही तो थी डाइवर्जेंट ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से रो की वैल्यू क्या आ गई, डाइवर्जेंट का मतलब यही तो होता है डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में पहुंच गया, क्या हो गया डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो। तो इसलिए ये इक्वेशन क्या मान लू, थर्ड, थर्ड इंप्लाइज थर्ड में रो की वैल्यू रख दी, इसलिए थर्ड इक्वेशन क्या बन गई, डेल डॉट जे डी इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल टी, एप्सिलॉन नॉट तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, अंदर क्या बचा डेल डॉट ई। अब यहां पे देखो बेटा डेल डॉट ई तो दोनों तरफ कॉमन, तो जे डी कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी ई, ये हो गया, तो दोनों तरफ से ये गायब, तो इधर जे डी बचा इधर ये बचा। अब ये वैल्यू मैंने किस में चिपका दी, इक्वेशन सेकंड में, रियो रफ कर रहा हूं पूरा बेटे, मैंने पूरी की पूरी ही सिस्टम से प्रूफ करा दी, बुक में इतनी डेप्थ में नहीं, बुक में तो शॉर्टकट में लिखी हुई है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अगर ये आपको समझ में नहीं आती तो वीडियो दो बार देखे तीन बार देखे, तब भी समझ में नहीं आती, इंस्टाग्राम पर फिजिक्स गुरु इंडिया पर हमें मैसेज करें, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोबारा भी समझाएंगे हम ऐसी, इसमें हम कोई लॉजिक लगा नहीं सकते बेटा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा कर लेंगे हम। तो अब इक्वेशन सेकंड में मैंने वैल्यू रखी, तो डेल क्रॉस बी का मतलब क्या है, कर्ल बी ही तो है इसका मतलब, इज इक्वल्स टू म्यू नोट जे प्लस वैक्टर लगा लेना जे डी की वैल्यू ये री एप्सिलॉन नोट डेल ई बाई डेल टी। लो दिस इज द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, दिस इज द मैक्सवेल। अब आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं, क्या बेटा किसी किसी बुक में अगर मैं इसे बेटा लिख लिख के कराता पूरी तो बहुत टाइम ले जाती, यहां पर क्या लिखा रहता है कर्ल एच लिखा रहता है और ये लिखी रहती है फोर्थ इक्वेशन। तो बेटा बी है मैग्नेटिक फील्ड और एच होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, तो ये बी बराबर क्या होता है म्यू नोट एच होता है, तो एच की वैल्यू क्या होती है बी अपॉन म्यू नोट, तो ये कई बार बी अपॉन म्यू नोट करके एच लिख देते हैं, तो आपको इसे लिख के भी नहीं घबराना। तो ये मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन भी हो चुकी है। देखिए मेरे डियर लवेबल चांद सितारों बच्चों, हम क्या कर चुके हैं, हम ये पूरा कर चुके हैं मैक्सवेल की चारों इक्वेशन। अब हम जल्दी एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी चलाएंगे, क्यों, क्योंकि बेटा बड़ी समस्या है, हम व्यस्त चल रहे थे जिस कारण आपका कोर्स काफ़ी पीछे रह गया, हमें उसे कवर करना है। 1 जनवरी से हमें नई बुक चला देनी थी, हम आपके साथ न्यू ईयर भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए, चलिए कोई बात नहीं, किसी दिन हम मिल बांट के करेंगे, तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद जय भारत, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।